हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नूले एंटरप्राइजेस। तो चलिए आज कुछ और आपके लिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए। तो इसमें क्या है, हमने क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाने वाले हैं आपको। अगर आप बेल्ट बना रहे हैं, बेल्ट सिलाई कर रहे हैं, कॉटन कहाँ कैसा वाला यूज़ किया है आपने, सिलाई करने में बहुत तरीका है। आप मार्केट में देखोगे तो बेल्ट बहुत सस्ते मिलते हैं, पिक्सल बेल्ट जो आप लेंगे रेडीमेड बहुत सस्ते मिलेंगे आपको, और कुछ लोगों को मटेरियल मिलेगा बहुत महंगा लगेगा आपको, इतना डिफरेंस क्यों। तो आज हम आपको कुछ मटेरियल दिखाएंगे, तो मटेरियल में के साथ आपको पता चले कि क्या रहता है वो क्वालिटी ऑफ वर्क। तो हमने उसमें क्या किया ना, हेवी क्वालिटी का कॉटन यूज़ किया है, कनेक्टर मेटल कनेक्टर यूज़ किया है, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट आगे वाले का रिक्वायरमेंट था कि मेटल कनेक्टर, तो पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं था, पेमेंट ज़्यादा दे रहे तो मेटल कनेक्टर यूज़ करके दे रहे, स्क्रू चढ़ा के दिया उस सब के ऊपर। उसके बाद वहाँ पे नीचे हम जो झम देते थे, तो हर बार आपको झम देना पड़ता था, यस कनेक्शन किया उसमें वो बेल्ट में, तो यस कनेक्शन के बाद आपको झम का वायर देना पड़ता है। उसमें हमने झम नहीं दिया, वहाँ पे ट्विस्टिंग करके वायर, तीन वायर ट्विस्ट करके वेनी के जैसे बना के हमने दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते। एकदम बढ़िया क्वालिटी का काम किया हमने, वो आपको काम दिखाने के लिए हम आज वापस एक वीडियो बना रहे हैं। और साथ साथ में क्या करें, उनको हम देने वाले T8000 का कंट्रोलर, क्योंकि उनको जो है ना, उनको T8000 कंट्रोल चाहिए था, T8000 AC कंट्रोल देने वाले हैं, ठीक है, T8000 AC कंट्रोल। उसके साथ में कभी कभी 1 GB का मेमोरी कार्ड देते हैं, कभी कभी 2 GB का, अभी फिलहाल 2 GB आए हैं इसके साथ, तो 2 GB दे रहे हैं, तो वो देने वाले। लेकिन क्या है ना, वो तो इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस हमने बना दिया, लेकिन अगर हम मान के चले, अगर आपको ये कहाँ पे फंस गया आपका काम, क्योंकि कहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 20 बेल्ट चलाने वहाँ पे, तो वो लोग बोले मुझे 25 बेल्ट डाल के दो, 10 बेल्ट डाल के दो, नहीं मुझे 50 बल्ब हाइट में 50 नहीं चाहिए, 100 चाहिए, नहीं 100 नहीं चाहिए, 150 चाहिए, वहाँ पे आप उस समय में आपको क्या होगा, कंट्रोल में प्रोग्राम नहीं है आपका, तो काम तो चला ना एक दिन दो दिन के लिए, अगर प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्डर लिया है वो, तो आप मंडप का डेकोरेटिव का काम कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास ऑल इन वन का कार्ड है। इसके कार्ड के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हमने, ठीक है, देखा होगा, ठीक है। तो उसमें इसका आपको खासियत बता दो इस कार्ड के बारे में, ये जो कार्ड है ऑल इन वन का कार्ड है, ठीक है, आप कस्टमाइज साइज डाल सकते हो। और इसमें खासियत क्या है उसका बता दो हम, इसमें अगर इसमें अगर हमने मान के चले यस कनेक्शन किया, आपने इफेक्ट वगैरह डाला है इसमें, तो आप आपके पास बेल्ट नहीं बने यस कनेक्शन, आपके पास जेड कनेक्शन किया, कुछ नहीं इफेक्ट वही चलेगा, आप कहाँ पे भी कभी भी उसका यस कनेक्शन किया, जहाँ पे जेड कनेक्शन सिर्फ खाली आप सेटिंग में की सेटिंग चेंज करो, इफेक्ट फाइल चेंज करने का जरूरत है। मान के चले और एक गलती हुआ, हमारा वायरिंग डाल दे टॉप लेफ्ट टू राइट बेल्ट जाना, जो डेटा सिग्नल देना है टॉप लेफ्ट में देना है, ठीक है, तो आपने टॉप लेफ्ट में की जगह पे टॉप राइट के साइड में वायर कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, अब टेक्स्ट डालोगे तो टेक्स्ट रिवर्स जा रहा है, इफेक्ट वापस चेंज करना पड़ेगा, T1000 यूज़ कौन सा भी कंट्रोल यूज़ करो, IC कंट्रोल यूज़ HD कंट्रोल कौन सा यूज़ करेंगे, आपको वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ये कंट्रोल पे आप क्या करोगे, खाली टॉप लेफ्ट की जगह पे टॉप राइट करोगे तो बस, वहाँ पे आपको इफेक्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, इफेक्ट्स वही रहेंगे, आपको फाइल वही रहने वाले, खाली वायरिंग चेंज कर सकते हो। मान के चलिए आपका 50 बल्ब की जगह पे 100 बल्ब का हमने लगा दिया, आपको वहाँ पे मेमोरी कार्ड हुआ, इसमें कार्ड में चेंज करना पड़ता है डिज़ाइन, सब डिज़ाइनिंग आपको इफेक्ट सब चेंज करना पड़ेगा, इसमें सब चेंज करने की जरूरत है, खाली आप चेंज कर दो वही इफेक्ट्स वही डिज़ाइन चलने वाले हैं। आपका वायरिंग का गलती हुआ तो कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे भी कैसे करोगे तो सबके लिए ऑल इन वन कंट्रोल रहेगा आपको, आप यस कनेक्शन करो, जेड कनेक्शन करो, पैरेलल कनेक्शन करो, कौन सा भी करो उसके लिए चलेगा। अगर यस कनेक्शन जेड करेंगे तो लेफ्ट राइट अप डाउन डिज़ाइन सब चलने वाला है, पैरेलल में अप डाउन डिज़ाइन खाली चलेगा इसके अंदर में। लेकिन वायरिंग में आप लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट नीचे जिसे जो भी कुछ भी करना है चेंज करके आप इसमें से चला सकते हो, आपका काम नहीं रुकेगा, इसमें काम चलेगा। और इसमें आप जितना चाहिए उतने नाम डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, कस्टमाइज साइज है, कस्टमाइज का सब कस्टमाइज है, आपके मन के हिसाब से आप इसके ऊपर डाल के चला सकते हो। इसको आप इसमें JPG फाइल्स का एक सपोर्ट करते हैं, आप इमेजेस भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है, इमेज वगैरह डाल सकते हो। और एक इसके अंदर दो पोर्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट पॉजिटिव देना है आपको, उसके बाद 5 वोल्ट नेगेटिव देना है, पोर्ट 1 पोर्ट 2। एक पोर्ट के ऊपर एग्जैक्ट आप बोलते हैं 1000 पिक्सल चलते हैं, एक के ऊपर 1000 दूसरे के ऊपर 1000, लेकिन आप एक के ऊपर 1024 पिक्सल चला सकते हो, दूसरे के ऊपर 1024 पिक्सल चला सकते हो, तो आपको 2048 पिक्सल्स आप इस कंट्रोल यूज़ करके आप चला सकते हो। सिंपल सा छोटा सा कंट्रोल, वाईफाई बेस्ड कंट्रोलर है, इसी को आपको ये अभी हम कस्टमर को ये देने वाले हैं, लेकिन आप इसके ऊपर भी हम लगा के चेक करने वाले हैं, साथ साथ में इसको भी चला के देखने वाले, इसका आपको रिव्यू बताएंगे आपको इसको कैसा क्या है। इसमें वाईफाई के थ्रू चलेगा, इसके लिए आप इजी कनेक्ट बोल के एक ऐप रहेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पिक्सल 10 बोल के
वाईफाई ब्लूटूथ सॉरी हाँ वाईफाई के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको आईपी एड्रेस बोलूँगा 192.168.4.1 आई पी एड्रेस डालो, इंटरनेट डिसकनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करके उसके बाद वाईफाई डायरेक्ट डाल के गूगल क्रोम से सर्च करो, आपको विंडो पैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे टेक्स्ट हाइट जो डालना है सब जो ऐप में डालते हो वो सब आप वहाँ पे ओपन होगा, वहाँ से आप डाल के आप पूरा काम चला सकते हो। एमरजेंसी मोड के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, जो मन चाहे वो साइज में आप चला सकते हो, ऑल इन वन कार्ड है, सस्ता में है एकदम, ठीक है सबके लिए आप 2000 पिक्सल इसके ऊपर चला सकते हो। चलिए आपको अभी भाई ये तो हुआ इसका कंट्रोलर के बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको ऑल इन वन कार्ड का, अभी हम आपको क्वालिटी वर्क दिखाएंगे आपको, पिक्सल एक ला के यहाँ पे दिखाता हूँ एक, उसके बाद कनेक्शन बेल्ट भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है चलो देखे आते हैं मटेरियल और दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कनेक्शन बेल्ट लिया है यहाँ पे और एक ये पिक्सल लिया है, तो ये पिक्सल जो हमने इसमें यूज़ किया है वही हम जो हर वीडियो में दिखाते हैं आपको, ग्रीन वाला जो नया पिक्सल यूज़ करें अनब्रांडेड ब्रांड अगर कुछ नहीं कैपेसिटर रजिस्टर वाला वही पिक्सल है, ठीक है साथ साथ में इसमें हमने क्या किया यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 पिन का मेटल कनेक्टर यूज़ किया यहाँ पे, देखिए कनेक्टर में हमने कैसे टाई किया है इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया हमने, यहाँ पे बाइंडिंग के लिए आपको बांधना है किधर कुछ करना है इसके लिए आपको यहाँ पे रखा है, चाहे तो आप यहाँ पे सिलाई मार के ना आप एक कनेक्शन बेल्ट भी बनाए वो आप ऊपर का एक रस्सी डाल के भी कंप्लीट करके ले सकते हो उसको। ये मेटल कनेक्टर है यहाँ पे लूज कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से मेरा पॉजिटिव नेगेटिव डेटा जा रहा है 3 पॉइंट से और एक पिक्सल में जा रहा है, यहाँ पे हमने 2 वायर एक्स्ट्रा डाला है आप इसके नीचे देख पा रहे एक रेड और एक ब्लैक कलर का जो वायर है, धागा देखिए हमने यहाँ पे कैसे सिलाई किया है, यहाँ पे एक टाई लगा दे 2-3 टाई यहाँ पे लगा दे तो ये हिलेगा नहीं कैसे कितना भी खींचोगे तो। और नेक्स्ट जो आया हम इसके यहाँ पे कैप के पास जाएंगे हम तो कैप के यहाँ पे देखिए डबल धागे के साथ हमने इधर भी सिलाई इधर भी सिलाया और यहाँ पे जो बीच में जो 5 इंच का जो गैप है 5 इंच के गैप में देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वालिटी का हमने 1-2-3 जगह पे हमने सिलाई किया है और यहाँ पे कॉटन भी देख पा रहे हैं आप एकदम हेवी वाली क्वालिटी का कॉटन है ये, ठीक है इसमें 2 क्वालिटी का कॉटन है, ये हेवी क्वालिटी है रेगुलर क्वालिटी का कॉटन, मोस्टली रेगुलर क्वालिटी कॉटन इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको, तो आप ये वाला कॉटन चाहिए तो ये वाला कॉटन भी लेके हमसे बेल्ट खुद बना सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जैसे आपको मैं दिखा था यहाँ पे कैसे किया हमने, यहाँ पे अभी नीचे डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे बेल्ट का, यहाँ पे देखिए यहाँ से 50 बल्ब होने के बाद हमने वहाँ पे शॉर्ट किया आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी ये टोटल हमारा 100 बल्ब का पट्टा है तो 50 के बाद यहाँ पे कनेक्शन वापस हमने पावर दिया है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 1-2 वायर आया पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर से यहाँ पे इसको यहाँ पे जो लड़ी चालू होगा इसके लिए हमने यहाँ पे इधर से भी कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है डेटा भी जा रहा है और जो एक्स्ट्रा जो वायर आया था यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव दिया वही वायर को हम एंडिंग तक कवर किया है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे ख़त्म कर देते नीचे में शॉर्ट नहीं करते तो क्या होता है ना यहाँ तक पावर आ रहा है जब से जैसे नीचे जाएगा तो आपका व्हाइट की जगह पे ऑरेंज लगना चालू हो जाता है, तो ऐसा आप करोगे यहाँ पे भी शॉर्ट करके पावर दे रहे हो नीचे 100 बल्ब के बाद भी दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सब जगह पे मैंने स्टार्टिंग में सब जगह पे ऐसे ही सिला है हमारा, तो अभी हम क्या करेंगे 100 बल्ब में जाके दिखाता हूँ नीचे में हमने कैसा किया है, तो जैसे 100 बल्ब पे जाएंगे वहाँ पे भी हमारा ये देखिए यहाँ पे 100 बल्ब खत्म हो रहा है, ये देखिए एंडिंग तक मेरा एक पॉजिटिव नेगेटिव 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज़ किया हमने, यहाँ पे एंडिंग में पावर दिया तो यहाँ पे टोटल हमने क्या किया 3 जगह पे पावर दे रहा है, एक स्टार्टिंग में सेंटर में और नीचे में, तो इक्वली मेरा पावर सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम एएस कनेक्शन है तो यहाँ से डेटा उठा के नेक्स्ट वाले बेल्ट में एक बेल्ट सीधा एक बेल्ट उल्टा लगा देते हैं, मैं वहाँ पे आपको ऑन फ्लोर पे दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या होता है कनेक्टर लगा देते थे और वहाँ पे एक लिंक देते थे आपको, अगर आप लिंक देने का कभी कभी लूज कनेक्शन होता है इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे देखिए वेनी देखिए इसका, ठीक है ये वेनी के साथ हमने एक यहाँ पे वायर बना के लिया है, तो जैसे यहाँ पे कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं शोल्डरिंग कर दिया वापस नीचे 3 वायर के सेपरेट शोल्डरिंग करके ऊपर ट्यूब लगा के एकदम हेवी क्वालिटी में काम करके स्लू चढ़ा दिया, तो यहाँ पे ऐसा इसको लगभग 4 फीट का वायर है, दिखा दो देखिए पूरा 4 फीट का वायर है, ठीक है तो 4 फीट का वायर है तो यहाँ से आप 4 फीट तक आगे ले सकते हो, अगर एक बेल्ट यहाँ पे लगा रहे हैं 1 फीट पे दूसरा बेल्ट 4 फीट पे लगा हुआ तो भी ये वायर वहाँ तक जाने वाला है आपका 4 फीट, तो ऐसा आपको कनेक्शन करेंगे आप और जैसा भी काम खत्म हुआ वहाँ अभी क्या होता है कभी कभी साइड के ऊपर आप जाओगे वहाँ पे आपको रस्सी किसी नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा फोल्ड करो सब पिक्सल एक साथ, ठीक है तो ऐसा 50 बल्ब का पिक्सल ये करेंगे 50-100 बल्ब का है, देखिए कितना हेवी क्वालिटी कितना वजनदार हो गया है,
एकदम हेवी क्वालिटी में काम है इसका, एकदम हेवी बन गया। ठीक है, अभी इतना हो गया, यही रस्सी है आपका, इसी से आप टाई करके रखिए आपका काम खत्म होने के बाद। तो ऐसा आपका ये होगा बेल्ट के बारे में। अगर कुछ आपको क्वेरी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको बता दूँ। ये हुआ, अभी आपको कनेक्शन बेल्ट बताता हूँ। ये भी कनेक्शन बेल्ट हम 4 फीट का दिया है, कनेक्शन बेल्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे डाला है मैंने। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरा डेटा इन होने, येलो कलर का जो वायर है ना, इसको मैंने डेटा के लिए यूज़ किया है। डेटा यहाँ से इन होगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 2.5 स्क्वायर का वायर यूज़ किया हमने यहाँ पे पावर देने वाले इसके लिए, पिक्सल के लिए, सब पिक्सल के लिए। ये 10 के लिए एक बनाया है हमने, 10 कनेक्टर इसके अंदर एक में, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर देखिए, हमें 3 कोर का वायर नहीं था मेरे को, तो 4 कोर का वायर यूज़ करो, 1 कोर में यूज़ नहीं किया, यहाँ पे ऐसे छोड़ा है, आप 3 कोर का वायर यूज़ कर सकते हो। कनेक्शन देखिए और इसका क्वालिटी देखिए। यहाँ पे हमारे मेन कनेक्टर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, ये वाला दिखाओ नजदीक से, दिखा था आपको। यहाँ पे मेल कनेक्टर, सॉरी, यहाँ पे फीमेल कनेक्टर आ रहे हैं, तो ये मेल कनेक्टर इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसा लॉक होने वाला है। इसको लॉक होने के बाद ये हो गया आपका एक बेल्ट। अब दूसरा आपको यस कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे मेल आया तो दूसरे जगह पे फीमेल आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे फीमेल कनेक्टर आया, उसके बाद मेल कनेक्टर, ये भी 4 फीट को एक है, ठीक है। ऐसा आपको ये पूरा कनेक्शन बेल्ट देखिए कितना सुंदर हमने बना के दिया, और सिलाई देखिए इसका कनेक्शन बेल्ट का भी, कहाँ पे भी लगेगा नहीं, यहाँ पे सिलाई किया, मशीन के ऊपर सिलाई हुआ है, ऐसा दिखेगा आपको। ये पूरा हमने 4 फीट को एक करके, ये टोटल 20 फीट का है, 10 कनेक्टर लगाए इसके अंदर, ठीक है। ऐसा ये वाला कनेक्शन आप हमसे परचेज भी कर सकते हो, आप कुछ भी घर पे भी बना सकते हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क देख के आप काम कीजिए, और आप परचेज करते समय आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा क्वालिटी मिलना चाहिए। तो ऐसा आप ये कनेक्शन बेल्ट ले सकते हो। यहाँ पे पावर मैं कंट्रोल सेंटर में रखूँगा यहाँ पे, तो वहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा एक नंबर का। और दूसरा सेम सिमिलर और एक बेल्ट मैं वहाँ बाहर लगा दिया, वो भी दिखाता हूँ। ऐसे सब लगा के आपको ट्रायल लेना है, ट्रायल दिखाता हूँ आपको, उसमें आप D8000 कंट्रोल भी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, साथ साथ में आपको जो ऑल इन वन कंट्रोल है ना वो भी दिखाता हूँ। चलिए अभी ऑन फ्लोर साइड, जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पिक्सल लगा दिया है, यहाँ पे एक SMPS लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, एक सेंटर में लगा रहे हैं और एक एंडिंग में लगा रहे हैं। कंट्रोलर हम लगाने वाले सेंटर में, बीच में यहाँ पे 10 बेल्ट के बाद, और उस साइड के 10 बेल्ट अभी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला जो डेटा इन होने वाला है, ये जो येलो कलर का है स्टार्टिंग में, यहाँ से ये बेल्ट में येलो कलर में यहाँ पे एक डेटा जाने वाला है, 2 नंबर का डेटा वहाँ पे अभी लगाने वाले हैं यहाँ से, ये 2 नंबर का डेटा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो 2 डेटा देने वाले हैं फिलहाल, तो आपको नीचे जाके दिखाता हूँ आपको कैसा करना है, क्या करना है इसका। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने 100 बल्ब का सेटअप लगा दिया है, इतना लंबा है, 40 फीट का है। तो यहाँ पे मेरा 1 नंबर का जो बेल्ट वहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ पे 100 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 100 नंबर के बाद हमारा दूसरा बेल्ट जो है ना रिवर्स बैठेगा, यस टाइप कनेक्शन में, तो यहाँ पे 101 होगा, 101 का यहाँ से चालू होने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, इधर का डेटा उठा के ए नंबर बेल्ट पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो कनेक्शन बेल्ट हमने लंबा है 4 फीट का, तो यहाँ पे नीचे मोड़ के रखा है, यहाँ पे मेरा डेटा जा रहा है। तो यहाँ से डेटा यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पर ऊपर में जा रहा है, ऊपर से वापस नीचे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेकर दूसरा वाला जब, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, खाली यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टर लगा दिया, यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्ट वायर कट करके यहाँ पे वायर लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ खाली कनेक्टर आ गया, एक में कनेक्टर आएगा, एक में कनेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा ये पूरा यस कनेक्शन में, अभी यहाँ पे पूरा सेटअप लगा रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ से आएगा तो नीचे वाले में ये उधर जाने वाला है। ऐसा पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाता हूँ तो कैसे होने वाला है, तो इफेक्ट चला के दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे जो व्हाइट कलर का पैटर्न चल रहा था वही चल रहा था, उससे पहले आपको कर रहा हूँ, डालने से पहले बंद करना है मशीन को, ठीक है, बंद करके यहाँ पे आपको SD कार्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट करेंगे और चालू करेंगे, बस जैसे चालू करेंगे ये सब लाइट ऑन हो जाएगा, ब्लिंकिंग का ब्लिंक नहीं होना चाहिए, अगर ये कौन से भी एक एलईडी ब्लिंक हो रहा है तो वो कार्ड रीड नहीं हो रहा है, ऐसा हो उसका मीनिंग। तो यहाँ पे अभी मैंने कार्ड डाल दिया है इसके अंदर, तो चलना चालू हो जाएगा, रीड होगा तो वहाँ पे चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरा दोनों लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो मेरा कार्ड रीड नहीं हुआ है, तो वापस आपको दोबारा बंद करना है, इसको निकालना है, इधर ऑयल गिल लगा के देखना है इसको। देखिए पहले मेरा दोनों ब्लिंक हो रहा था, यहाँ पे सेंटर का बंद हो गया, अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम डाला है ना स्लो स्पीड में डाला है, वो प्रोग्राम चलना
चल हो गया। देखिए यहाँ पे दूर से देखा था आपको, जो हमने प्रोग्राम डाला था इसके अंदर वो प्रोग्राम चलना चल हो चुका है। तो ऐसा सिंपल सा है, आप ऐसा इसमें जो चाहे वो इफेक्ट्स बना के डाल सकते हो आप। स्पीड आप लो प्रोग्राम के समय आपको डिसाइड करना होता है, स्पीड ज़्यादा रखना है या कम रखना है। देखिए रेड ग्रीन ये इन बिल्ड जो इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो चलना, सॉरी जो कार्ड के अंदर प्रोग्राम है वो चलना चल हो चुका है। हमने स्लो स्पीड रखा है, इसे स्लोली जा रहा है। तो हाई स्पीड रखेंगे, स्पीड ज़्यादा रखेंगे प्रोग्रामिंग के टाइम, तो स्पीड में भी सब चलना चालू हो जाएगा। अभी इसी जगह पे हम क्या करता हूँ आपको एक कार्ड चला के दिखाया आपको, इसी जगह पे एमरजेंसी के लिए छोटा कार्ड लगा के भी दिखाता हूँ आपको उसके अंदर का प्रोग्राम कैसा चलता है। जैसे आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2000 कंट्रोलर साइड में निकाल के यहाँ पे खाली क्या किया मैंने, उसी जगह पे डेटा वन और डेटा टू जो डेटा वन पे जा रहे थे ये और डेटा टू के ऊपर दे दिया यहाँ पे, और 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दिया। तो यहाँ पे ये छोटा सा वाला किट के ऊपर आपका पूरा 2000 पिक्सल एकदम परफेक्टली चल रहा है। अगर एमरजेंसी साइड पर आपको कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी दिक्कत रहेगा तो देखिए या ऐसा वाला छोटा वाला कंट्रोल यूज़ करके आप इसके ऊपर भी आपका काम चला सकते हो। इसके अंदर आप इमेज डाल सकते हो, फोटोज़ भी डाल सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप इसमें डिज़ाइन भी चला सकते हो। आप ये कंट्रोल आप तोरण के लिए यूज़ करो, बिल्डिंग के लिए करो, कहाँ पर भी यूज़ करो, अप डाउन लेफ्ट राइट सब डिज़ाइन इसके अंदर ये छोटा सा कंट्रोल के ऊपर चलेगा। ये वाईफाई के थ्रू आप इसमें नेम भी अपडेट कर सकते हो। तो सिंपल सा कंट्रोलर है, ठीक है। तो जैसे चाहे वैसे आप इसको यूज़ करो, आपको जहाँ पे यूज़ करना है इफेक्ट डालो, साइज़ आपको जैसा ऑलरेडी बताया था साइज़ के हिसाब आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेरीज रहेगी तो व्हाट्सएप में कमेंट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको इसका पूरा सोल्यूशन हम दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर रखे, तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।